हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर के सैनी। आज हम चर्चा करेंगे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये जो ऊर्जा होती है ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये श्वसन तंत्र द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। अब ये जो श्वसन प्रक्रिया है ये मानव के श्वसन तंत्र के द्वारा संपन्न की जाती है। मानव में श्वसन तंत्र की संरचना इस प्रकार की होती है। मानव में जो श्वसन तंत्र है, अब इसमें वायु के प्रवेश करने से लेकर आगे की जो भी प्रक्रियाएं संपन्न होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम श्वसन पथ कहते हैं। मानव में जो श्वसन पथ है ये बाह्य नासा छिद्रों से शुरू होता है। जो नासिका होती है जिसमें दो नासा छिद्र होते हैं, इन्हें हम बाह्य नासा छिद्र कहते हैं, जिनसे वायु वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी वायु मुख गुहा के द्वारा भी शरीर में प्रवेश कर सकती है, किंतु सामान्य श्वसन प्रक्रिया में वायु हमेशा नासा छिद्रों के द्वारा ही प्रवेश करती है। अब नासा छिद्रों से वायु नासा वेश्मों में जाती है, इसे नासा वेश्म या नासा पथ भी कहा जाता है। जो नासा वेश्म होते हैं इनमें कई सारे रोम उपस्थित होते हैं। इसके अलावा नासा वेश्म का जो पथ है इसमें नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और एथेमोइड अस्थियां पाई जाती है, जिनकी वजह से यह पथ अत्यधिक टेढ़ा मेढ़ा होता है और ये अस्थियां एक चिपचिपी श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा आवरित होती है। अब टेढ़ा मेढ़ा होने से वायु को नासा पथ में ज्यादा समय लगता है, जिससे एक तो वायु का तापमान शरीर के तापमान के लिए अनुकूलित हो जाता है, पहली चीज। दूसरी, चिपचिपा होने से वायु के साथ जो भी धूल के कण और सूक्ष्म जीव आते हैं ये इस श्लेष्मा झिल्ली से चिपक जाते हैं और फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो रोम होते हैं ये भी वायु को छानने का कार्य करते हैं। नासा वेश्मों से जो वायु होती है वो आंतरिक नासा छिद्रों द्वारा नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। नासा ग्रसनी इस क्षेत्र को कहा जाता है। नासा ग्रसनी से फिर वायु बाद में यहां से, देखिए जो कंठ द्वार होता है इसे हम कहते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस से होते हुए हमारी जो ट्रेकिया होती है, श्वास नली होती है, उसमें प्रवेश करती है। अब यहां पर जो नासा ग्रसनी होती है ये दो नलिकाओं में खुलती है आगे जाकर। एक तो हमारा निगल द्वार होता है, गुलेट जो होता है, और दूसरा होता है कंठ द्वार या ग्लोटिस। जो निगल द्वार होता है ये ग्रसनी में जाता है, जो हमारा आहार नाल है उसमें जाता है, इसके द्वारा भोजन को अंदर ग्रहित किया जाता है, जबकि जो कंठ द्वार है इसके द्वारा वायु अंदर ग्रहित की जाती है। जो कंठ द्वार होता है, ग्लोटिस होता है, इसके ऊपर एक उपास्थि का बना हुआ ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? देखिए, जैसे ये मुख गुहा है, यहां से अपन जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का इस ढक्कन के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे ये बंद हो जाता है। जो कंठ द्वार है ग्लोटिस है इसको बंद कर देता है, जिससे भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाते। अगर भूलवश किसी वजह से भोजन के कण श्वास नली में चले भी जाएं, तो इसके आंतरिक सतह पर पक्षमाभिकाएं पाई जाती है जो भोज्य कणों को वापस बाहर की ओर धकेल देती है और ये निगल द्वार में चले जाते हैं। अब ये एपिग्लोटिस इसको बंद कर देता है और भोजन सीधा ग्रसनी से होता हुआ आहार नाल में चला जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो एपिग्लोटिस खुला रहता है और हवा यहां से कंठ द्वार से श्वास नली में प्रवेश करती है। अब यहां पर श्वास नली के ऊपर एक त्रिभुजाकार कक्ष टाइप की संरचना होती है, जिसे हम कंठ या लेरिंग्स कहते हैं। जो कंठ या लेरिंग्स होता है
इसमें ये उपास्तियों की बनी हुई संरचना है, इसकी जो भित्ति होती है इसको उपास्तियां सपोर्ट प्रदान करती है। इसमें चार प्रकार की उपास्तियां पाई जाती है जिनकी कुल संख्या 6 होती है। देखिए इसमें कौन कौन सी उपास्तियां होती है, एक थायराइड उपास्ति होती है, एक क्रिकोइड उपास्ति होती है, जबकि दो एरिटिनोइड उपास्तियां होती है और दो सेंटोरिनी की उपास्तियां इसमें पाई जाती है। तो ये पूरी संरचना उपास्तियों की बनी हुई होती है। हमारे जो गले वाला भाग है इसमें जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ये वाला जो उभरा हुआ भाग होता है ये वास्तव में कंठ ही होता है। कंठ के अंदर वाक रज्जु भी पाए जाते हैं, वोकल कोर्ड्स पाए जाते हैं। इसमें दो जोड़ी वोकल कोर्ड होते हैं, ऊपर वाले जो वोकल कोर्ड होते हैं वो फाल्स वोकल कोर्ड होते हैं, जबकि नीचे वाली जो जोड़ी होती है वो ट्रू वोकल कोर्ड्स होते हैं, सत्य वोकल कोर्ड होते हैं जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। जब हवा यहां से श्वास नली से बाहर की तरफ जाती है तो वो हवा उन वोकल कोर्ड्स में तरंगे उत्पन्न करती है, इन तरंगों के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। यहां से कंठ से फिर हवा श्वास नली में जाती है। श्वास नली लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। ये जो नलिका है इसकी आंतरिक भाग में सी आकृति के कई सारे उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जिन्हें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स कहते हैं। ये जो सी आकृति के उपास्थि छल्ले होते हैं ये पृष्ठ भाग में अपूर्ण होते हैं, सी आकृति के होते हैं, आगे से ये कवर्ड होते हैं जबकि पीछे की साइड जो पृष्ठ भाग होता है इधर ये अनुपस्थित होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, जैसे ही हम ये श्वास नली होती है इससे वायु ग्रहण करते हैं तो ऐसी संभावनाएं होती है कि ये पिचक सकती है, वायु के अभाव के कारण कभी कभी ये पिचक सकती है क्योंकि ये प्रत्यास्थ झिल्ली की बनी होती है, तो इसको पिचकने से बचाने के लिए इसमें इस तरह के ये जो छल्ले हैं ये पाए जाते हैं ताकि श्वास नली पिचके नहीं, क्योंकि अगर श्वास नली पिचक गई तो वायु का जो पथ है वो अवरुद्ध हो जाएगा जिससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है। श्वास नली आगे जाकर वक्ष गुहा में जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, इन्हें हम प्राथमिक ब्रोंकस कहते हैं। जो बाई प्राथमिक ब्रोंकस होती है वो बाएं फेफड़े में, जबकि दाई प्राथमिक ब्रोंकस दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। देखिए यहां पर जो हमारी वक्ष गुहा होती है इसमें दो फेफड़े पाए जाते हैं, फुफ्फुस पाए जाते हैं। ये जो फुफ्फुस होते हैं ये हमारे श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारी जो वक्ष गुहा होती है थोरेसिक कैविटी होती है, इसमें मैंने बताया दो फेफड़े होते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ हृदय कक्ष पाया जाता है, यहाँ हृदय पाया जाता है। जो मनुष्य के अंदर दायां फेफड़ा होता है ये तीन पालियों का बना हुआ होता है, तीन पिंडों का बना हुआ होता है, जबकि बायां फेफड़ा जो होता है वो केवल दो पिंडों का बना हुआ होता है। वक्षीय गुहा में ये देखिए चारों ओर से पसलियों के पिंजर द्वारा सुरक्षित रहते हैं। हमारी जो पसलियों का एक पिंजर होता है वो इनको चारों ओर से घेरे रखता है ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। इनके नीचे की तरफ डायफ्राम होता है जो इनको ऊपर की तरफ दबाए रखता है। तो ये पसलियों का पिंजर और डायफ्राम इनको प्रेस किए हुए रखता है, दबाए रखता है। ये स्पंजी प्रकृति के होते हैं और प्रत्यास्थ नेचर के होते हैं। ये जो पिंजर होता है इनको प्रेस किए हुए रखता है, दबाए रखता है। जब ये डायफ्राम नीचे की ओर सरकता है और पसलियां ऊपर की ओर सरकती है तो फेफड़े फूल जाते हैं जिनसे इनका आयतन बढ़ जाता है और हवा अंदर प्रवेश करती है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर खिसकता है और पसलियां नीचे की ओर दबती है तो फेफड़े दब जाते हैं जिनसे इनका आयतन कम हो जाता है और हवा श्वास नली से होती हुई बाहर चली जाती है। जो फेफड़े होते हैं ये फुफ्फुसावर्णी झिल्ली के द्वारा, फुफ्फुसावर्णी आवरण के द्वारा परिबद्ध रहते हैं। ये जो फुफ्फुसावर्णी आवरण है इसमें दो झिल्लियां पाई जाती है, एक तो पेराइटल प्लूरा और आंतरिक जो झिल्ली होती है विसरल प्लूरा कहते हैं। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो गुहा होती है, कैविटी होती है, इसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल
फ्लूइड भरा हुआ रहता है, प्लूरल तरल भरा हुआ रहता है। इस प्लूरल कैविटी के अंदर कोई हवा नहीं पाई जाती है। अगर दुर्घटनावश प्लूरल कैविटी के अंदर हवा प्रवेश कर जाती है तो फेफड़े पिचक जाते हैं। अब ये जो श्वास नली है, देखिए श्वास नली मैंने बताया यहां वक्ष गुहा में जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम प्राथमिक ब्रोंकस कहते हैं। फिर प्राथमिक ब्रोंकस अपनी अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश करके द्वितीयक ब्रोंकस में विभाजित हो जाता है। द्वितीयक जो ब्रोंकस होता है वो आगे जाकर तृतीयक ब्रोंकस में विभाजित हो जाता है। यहां तक की जो संरचना होती है इसे ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, ब्रोंकियल वृक्ष कहते हैं। जो ब्रोंकियल ट्री होता है ये कंडक्टिंग सतह का कार्य करता है और इसमें सी आकृति के उपास्थि वाले पाए जाते हैं। ये गैसों के आदान प्रदान का कार्य नहीं करता है, जबकि गैसों को अंदर लेने का कार्य ही संपन्न करता है। इसमें सी आकृति के चल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद जो तृतीयक ब्रोंकस है, इसके बाद ये श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स में विभाजित होते हैं। ये जो ब्रोंकियोल्स होती है ये फिर आगे जाकर श्वसन श्वसनिकाएं या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में विभाजित होती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फिर आगे जाकर कूपिका वाहिनियों में विभाजित होती है और कूपिका वाहिनियां एक छोटी सी कूपिका में खुलती है। ये जो संरचनाएं हैं यहां से लेकर यहां तक की, ये संरचनाएं श्वसन वृक्ष का या रेस्पिरेटरी ट्री का निर्माण करती है। इस श्वसन वृक्ष में सी आकृति के छल्ले अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और ये गैसों के आदान प्रदान करने की सतह का निर्माण करते हैं। इस तरह की जो कूपिकाएं होती है, ये कूपिकाएं दोनों फेफड़ों के अंदर लगभग 60 करोड़ पाई जाती है। 60 करोड़ कूपिकाएं दोनों फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, जो कि अत्यधिक पतली सल्की उपकला की बनी हुई होती है। देखिए ये पूरा श्वसन पथ है जो कि मैंने आपको बताया है। अब ये जो कूपिकाएं होती है, इन कूपिकाओं की जो उपकला होती है मैंने बताया सल्की उपकला की बनी होती है। इन कूपिकाओं के चारों ओर कई सारी पतली पतली रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इन रक्त केशिकाओं की अंतःकला और कूपिका की उपकला तथा इन दोनों के बीच उपस्थित आधार कला, ये तीनों कलाएं मिलकर श्वसन झिल्ली का निर्माण करती है। श्वसन झिल्ली जो होती है ये 0.2 माइक्रोमीटर की अत्यंत पतली झिल्ली होती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूर्णतः पारगम्य होती है। जैसे ही हम वायु को अंदर खींचते हैं तो कूपिकाओं के अंदर हवा भर जाती है, उस हवा में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन इस श्वसन झिल्ली से विसरित होकर रक्त केशिकाओं में चली जाती है। जबकि उस समय रक्त केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कूपिकाओं में आ जाती है। फिर जब फेफड़ों को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां श्वास नलियों से होते हुए बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। तो ये थी पूरी मानव के श्वसन तंत्र की संरचना। धन्यवाद।